हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग चैनल म्यूजिक पर। तो आज का ब्लॉग सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मंडी में, क्योंकि मंडी में आए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज उनका वहां पर उद्बोधन रहेगा, तो चलिए आज हम बाई फेस अपने प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, और बीच बीच में मैं आपको क्लिप्स ऐड करता चलूंगा, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी मैं उनको कवरअप करता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो लीजिए, अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और देखिए कितना अंधेरा है। ये मैंने कैमरा की फ्लैश लाइट ऑन की है। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने टिक्कर बाजार में। लीजिए दोस्तों, अभी मैं अपने टिक्कर बाजार में पहुँच चुका हूँ और अभी हो रहे हैं 6:10। तो गाड़ी वाले ने कहा था कि मैं 6:15 तक पहुँच जाऊँगा, तो चलिए अभी 5 मिनट गाड़ी का इंतज़ार कर लेते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और गाड़ी भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, 6:15 के बजाय गाड़ी टिक्कर बाजार में 6:30 बजे पहुंची थी। तो यहाँ मैं आपको रोड्स के और हिल्स के जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको ऐड कर दूंगा, वो आप देखते रहना। और फिर हम बीच में मनोरंजन भी करते जा रहे थे। तो आप आगे देख लेना कि मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जी और अन्य दोस्त भी थे, तो आप हमारा मनोरंजन देख लें। तो कुछ इस तरह से हम पूरे रास्ते मनोरंजन करते चले गए। तो अब मैं आपको पड्डल मैदान मंडी के जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड्डल मैदान पूरा खचा खच भरा हुआ था और मैदान के बाहर भी लोग बैठे हुए थे, तो वो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल पड्डल मैदान मंडी में लोगों का था। तो ये चारों तरफ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी थी। आज तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ लगी थी, नेहरू चौक में लगी थी, कलखर में लगी थी। कहने का तात्पर्य कि पूरी सिक्योरिटी जो है वो जाहू से शुरू हो गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा पड्डल मैदान जो है वो खचाखच और लबालब भरा हुआ है। ये तो अभी कुछ कम ही है, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने क्लिप्स बना ली थी। तो अभी थोड़ी देर में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पड्डल मैदान में पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना और मोदी जी को मेरे ब्लॉग के माध्यम से जरूर देखना। तो ये देखिए मित्रों, मोदी जी का जहाज जो है वो आकाश में आ चुका है। ये मैंने इस वाली क्लिप की स्पीड जो है वो मैंने कम कर दी है, क्योंकि शूट मैंने थोड़ा कम ही लिया था। तो ये मोदी जी का जहाज हेलीपैड की तरफ जा रहा है और उसके बाद मोदी जी गाड़ी में पड्डल मैदान में पहुंचेंगे। तो अभी मोदी जी पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जीबिशन भी लगाई थी। तो मोदी जी अभी वहाँ एग्जीबिशन देख रहे हैं। तो आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर बजंत्रियों ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने वाद्य यंत्र बजाए, तो वो वाली क्लिप भी मैंने ऐड कर दी है। स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वाद्य यंत्र वाले मेरे जो भाई और हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वे कृपा करके मोदी जी का स्वागत करें। सभी मेरे भाई और जो ब्लॉक है उसके अंदर जो हमारे बजंत्री है उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके वो चलिए
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और कितना शोर शराबा है। मुझे पता है कि आपको भी ये जो पीछे बजंतरियों ने वाद्य यंत्र बजाए हैं ये आपको ठीक ढंग से नहीं सुनाई दिए गए होंगे, लेकिन ये आपको आगे ढोल नगाड़ों के साथ ज़रूर सुनाई देंगे। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिए। और मैंने आगे अपना कैमरा जो है वो जूम कर दिया था, तो आगे आप इन लाहौल स्पीति के भाई बहनों को भी देख सकते हैं, ये भी कितनी दूर से मोदी जी के एक झलक देखने के लिए आए थे। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, तो मोदी जी यहाँ पर प्रदर्शनी में प्रोडक्ट्स का मुआयना कर रहे हैं। तो आगे प्रदर्शनी की भी क्लिप्स हैं, तो वो भी आप देख लेना। और मोदी जी के साथ साथ यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी साथ में हैं, और हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र नाथ हरलेकर भी हैं, और साथ में अनुराग ठाकुर जी भी हैं। तो आप देख सकते हैं और एग्जीबिशन का नज़ारा ले सकते हैं। जैसे ही एग्जीबिशन ख़त्म हुई तो मोदी जी ने, जयराम जी ने, राजेंद्र जी ने और अनुराग जी ने आई लव हिमाचल एक पोस्टर बनाया था, तो उसके पीछे खड़े होकर छायाचित्र लिया। और उसके बाद मोदी जी सेकंड राउंड के लिए इंडस्ट्री से मीटिंग करने गए, तो हमने सोचा कि मोदी जी हमारे पास ही मिलने के लिए आ गए, तो हमने पहले से ही नारे लगाने शुरू कर दिए। और फिर मोदी जी सेकंड राउंड के लिए इंडस्ट्रीज के पास मीटिंग करने के लिए चले गए, और उसके बाद मोदी जी हमारे पास आ गए। तो फिर यहाँ पर बजंतरियों ने मोदी जी का स्वागत किया, और आगे मोदी जी आ गए हैं, तो वो आप खुद देख लें। जोरदार तालियों के साथ मोदी जी का स्वागत करेंगे। जैसे कि मोदी जी स्टेज में पहुंच गए हैं, तो आप एलसीडी के माध्यम से देख सकते हैं कि बजंतरियों ने मोदी जी का स्वागत जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से किया। और उसके बाद मोदी जी को जयराम ठाकुर जी ने टोपी और शॉल पहनाकर जो है वो सम्मानित किया। और उसके बाद मोदी जी को त्रिशूल देकर भी सम्मानित किया, तो वो आप आगे देख सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप भगवान शिव की शक्तियों के प्रतीक, भगवान शिव की शक्तियों के प्रतीक त्रिशूल भेंट करके एक स्मृति चिन्ह के रूप में आप देश के प्रधानमंत्री जी को तो उसके बाद पहले अनुराग ठाकुर जी ने और फिर
जयराम ठाकुर जी ने मोदी जी का स्वागत के रूप में उद्बोधन दिया, तो वो भी आप आगे देख सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा की माननीय सांसद आदरणीय बहन इंदु गोस्वामी जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जिसने बनाया दिव्य और भव्य काशी को, बदला परिवेश केदारनाथ का, बनाया नया अयोध्या धाम को, किया सोमनाथ में नवनिर्माण, ऐसे मेरे हिंदू गौरव और सनातनी धर्मात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। जयराम ठाकुर जी, भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और इस महान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मेरे छोटे भाई केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनके पास युवा खेल का भी महत्व है, श्री अनुराग ठाकुर जी, हम सब के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हम सब का मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कृष्ण कपूर जी, राज्यसभा की सांसद और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री इंदु गोस्वामी जी, सभी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी विधायकगण, पूरा विधायकगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहन, मैं आज इस छोटी काशी मंडी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर उसके बाद मोदी जी ने यहाँ पर उद्घाटन कर दिया, क्योंकि हिमाचल में कुछ एक कार्य विभाग शुरू होगा, तो उसके लिए मोदी जी ने अनुमति दे दी कि आप कार्य विभाग शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद मोदी जी ने अपना उद्बोधन रखा, तो आप उद्बोधन भी पूरा सुनना। वैसे उद्बोधन मैंने शॉर्टकट ही रखा है, क्योंकि मोदी जी ने उद्बोधन में पहाड़ी भाषा का प्रयोग भी किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मोदी जी हम सभी जनता को बाय बाय कर रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी,
केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी अनुराग जी, संसद में मेरे साथी श्री सुरेश कश्यप जी, किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी और हिमाचल के कोने कोने से यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महीने काशी विश्वनाथारे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा पंचवक्त्रारा महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने का मौका मिला। देवभूमि रे सभी देवी देवता जो मेरा नमन। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा। और फिर इसके बाद मोदी जी ने हमारी हिमाचली धाम की भी बहुत तारीफ की, तो वो भी आप आगे सुन सकते हैं। और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी भी सेतु बड़ी है, कचोरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के भी चार साल पूरे हुए, सेवा और सिद्धि के इन चार सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ इस प्रकार से आज का पूरा दिन गया। अगर आपको यह वाला ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय बोले शंकर। लेट्स रॉक।